हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कृष्णपाल सिंह, अध्ययनशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने भारत में कैसे प्रवेश किया, कैसे प्लासी का युद्ध और कैसे बक्सर का युद्ध जीता, इन दोनों के बारे में समझेंगे। कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शक्ति बनी, ये हमारा आज का टॉपिक है डिस्कशन का। अगर बंगाल पर कंपनी के अधिकार की हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट जहन में आता है वो है प्लासी का युद्ध 1757 का। लेकिन 1757 का युद्ध एकदम से नहीं हो गया। एक्चुअली क्या हुआ था कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, 1609 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रवेश करना शुरू किया, व्यापार की अनुमति ली, व्यापार करना शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, सन 1717 में कंपनी ने एक इलाज के बदले फर्रुखशियर से शाही फरमान प्राप्त किया। शाही फरमान क्या था कि इनको बंगाल में बिना टैक्स दिए, बिना चुंगी दिए, मतलब बिना कर दिए व्यापार की अनुमति मिल गई। यहाँ तक भी सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि इसने क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि खुद तो व्यापार कर रही थी मुफ्त में, साथ में इसका गलत लाभ उठाकर दूसरों को भी इसको बेचना शुरू कर दिया। तो दूसरे व्यापारी भी इस पत्र को ले लेके क्या करने लग गए, फ्री व्यापार करने लगे। तो नुकसान किसको जा रहा था, बंगाल के नवाब को। इस वजह से बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच मतभेद होने लगे। मतभेद हुए, लड़ाई भी हुई, ब्लैक होल की घटना भी हुई, एक घटना कही जाती है। लेकिन इन सबके बावजूद 1557 में इनके बीच शांति समझौता हुआ, जिसको कहा जाता अलीनगर की संधि। लेकिन कुछ समय बाद ही कंपनी ने अलीनगर की संधि का उल्लंघन का आरोप लगा दिया बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला के नाम पर। इनके ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया है, और ये बोलकर इनके खिलाफ युद्ध स्टार्ट किया था। इसी प्लासी नामक स्थान पर हुआ था बंगाल में, इसलिए इसको प्लासी का युद्ध बोलते। 1757 में हुआ था। कारण मैं वही बता रहा था आपको कि आपसे संघर्ष, पुरानी जो लड़ाई थी इनकी सत्ता को लेकर, या सबसे इम्पोर्टेंट रिवेन्यू को लेकर, और उसके बाद बाकी उसकी सत्ता को लेकर, वो लड़ाई का नतीजा इसका ये रहा। तो सिराजुद्दौला था, लेकिन कंपनी शुरू में इसके खिलाफ नहीं थी, शुरू में लड़ नहीं रही थी सिराजुद्दौला से। हुआ क्या कि सिराजुद्दौला के दरबार में एक व्यक्ति थे राय दुर्लभ, ये मिल गए अंग्रेजों से, मतलब उस समय अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। एक थे इनके सेनापति मीर जाफर खान। मीर जाफर खान भी किसके साथ मिल गए, रॉबर्ट क्लाइव के। वैसे भी मीर जाफर खान बहुत ज़्यादा करप्टेड हो चुके थे, तो इनके करप्शन को देखते हुए सिराजुद्दौला ने इनको हटाकर इनकी जगह मीर मदा को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया था। तो मीर जाफर खान इस बात से नाराज भी थे, और वो वैसे भी अंग्रेजों के पक्ष में चले गए थे, तो ये दो लोग अंग्रेजों की तरफ चले गए। सीधी सीधी बात हो गई कि अंग्रेजों के पास जानने को बहुत कुछ था, और बंगाल के जो नवाब साहब थे सिराजुद्दौला, उनके पास कुछ था नहीं। लड़ाई हुई जून 1757 की घटना है। युद्ध हुआ, बारिश के कारण सिराजुद्दौला साहब युद्ध ज़्यादा देर टिक नहीं पाए। परिणाम ये हुआ, रॉबर्ट क्लाइव बहुत इजीली युद्ध को जीत गए, और सिराजुद्दौला की सत्ता यहाँ से समाप्त हो गई। प्रभाव क्या हुआ इस युद्ध का, ये समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस घटना के बाद से डायरेक्टली सत्ता, मैं सीधे तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, प्रत्यक्षतः बंगाल की राजनीति में कंपनी का हस्तक्षेप होना शुरू हो गया। तो कंपनी ने क्या किया, सीधे सीधे अपना राजा नहीं बिठा सकती थी, क्योंकि भारत में इसकी छवि कंपनी के रूप में थी, और ये अभी उस शक्ति स्तर पे भी नहीं थी कि अपना शक्ति प्रदर्शन करे। तो इसने क्या किया कि अपने व्यक्ति को नवाब बनाना शुरू कर दिया। ये इस युद्ध का सबसे बड़ा प्रभाव, मतलब अभी कंपनी एक शक्तिशाली सत्ता के रूप में बंगाल में दिखना शुरू हो गई। तो कंपनी ने क्या कर दिया, कंपनी ने अपने व्यक्ति को नवाब बनाना शुरू किया। तो जो सबसे मेन व्यक्ति जो इसके सपोर्ट में था, मीर जाफर खान, इन्होंने मीर जाफर खान को नवाब बनाना स्वीकार किया। मीर जाफर की हरकतें देखते हुए कुछ समय बाद इनका ही दामाद था मीर कासिम, वो नवाब बने। लेकिन मीर कासिम थोड़े से अंग्रेजों के विरुद्ध जा रहे थे, या ऐसा बोलो कि कंपनी के ही खिलाफ चले जा रहे थे। तो नाराज होकर 1763 में उनको हटाकर वापस से मीर जाफर को ही क्या बना दिया गया, नवाब बना दिया। तो मीर कासिम बाद से नाराज हो गए, वहाँ से चले गए। ये गए सबसे पहले सुजाउद्दौला के पास, जो थे अवध के नवाब, और उनको ये बताया कि जैसा बंगाल के साथ हुआ है उसके नियर तो आप ही का स्टेट आ रहा है, और स्टेट भी उतना ही उपजाऊ आपका भी जितना बंगाल है, उतना ही सक्षम आपका भी जितना बंगाल है, तो अगला टारगेट आप हो। ये बात सुजाउद्दौला को समझ आई कि हाँ, जो कंपनी ने बंगाल में किया हो सकता हमारे साथ भी कर ले। यही बात इन दोनों ने मिलकर शाह आलम द्वितीय को समझाई। शाह आलम द्वितीय उस समय जो थे वो मुगल सम्राट हुआ करते थे, मुगल सम्राट। अच्छा, मुगल सम्राट सुजाउद्दौला की बात इसलिए भी मानते थे कि ये 1764 की घटना, जो इससे जस्ट पहले 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, और पानीपत के तीसरे युद्ध में मुगलों की तरफ से सुजाउद्दौला साहब ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये अवध के नवाब भी थे, वजीर भी रह चुके थे, और मुगल इनकी बात भी मानते थे। तो मुगलों ने भी इनके साथ बात मान ली, तीनों ने मिलकर संधि की और एक संयुक्त सेना बनाई।
ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। टारगेट क्या किया कि लड़ाई लड़ना है, युद्ध करके अंग्रेजों को हरा कर हमको बाहर कर देना है। तो 1764 में युद्ध हुआ। युद्ध का कारण मीर कासिम की हार, मीर कासिम को हटाया गया था बंगाल की सत्ता से या बंगाल के नवाब के पद से, उनकी नाराजगी, उनको बदला लेना था। सुजाउद्दौला को समझा दिया गया कि फ्यूचर आपका खराब है, उसको समझाते। शाह आलम को भी बता दिया गया कि अगर हमने अंग्रेजों को दबा दिया तो आपकी सत्ता बरकरार रहेगी, हम आगे चलकर अंग्रेजों को दबा सकते हैं और अपनी तरफ से उनका यूज़ कर सकते हैं। ये बातें तीनों को समझ में आई तो तीनों ने मिलकर इसका संयुक्त मोर्चा लेना शुरू किया। अच्छा, केवल इतना ही कारण निहित नहीं है। बंगाल 1757 से लेकर 1764 के बीच का जो 7 साल का एक टेन्यूअर है, 7-8 साल का, इस 7 से 8 वर्ष में कंपनी ने बंगाल की सत्ता में जो हस्तक्षेप किया, जो उसका नवाब था ना, वो नाम मात्र का मोहरा बन के रह गया। जितना काम था सब कुछ कौन कर रहा था? कंपनी। रेवेन्यू कंपनी कलेक्ट कर रही थी, सारे आदेश कंपनी जारी कर रही थी, सब कुछ कंपनी जा रही थी, वैसा ही हो रहा था। तो नवाब तो नाम मात्र की कठपुतली था, तो ये कहीं ना कहीं दिख तो रहा था। तो ये बड़ा कारण तो ये है। फिर तीनों इकट्ठित हुए, तीनों ने मिलकर एक सेना बनाई। संयुक्त सेना ने ब्रिटिश कंपनी के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक लड़ाई लड़ी 1764 में पटना के पास, बक्सर का मैदान गंगा के किनारे है, बक्सर के मैदान में लड़ाई हुई, इसलिए इसका नाम बक्सर का युद्ध कहा गया। कंपनी का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो का जिक्र जो है, जब अपन मैसूर की घटनाएं पढ़ेंगे तो मैसूर से भी हेक्टर मुनरो संबंधित रहेंगे। वो आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, तब भी हेक्टर मुनरो का नाम आता है। इसको वर्ड को, इस नाम को याद रखिएगा। ये बड़े गजब के सेनापति थे ब्रिटिश कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के। हालांकि ये बात अलग है कि एक बार जो टीपू सुल्तान है, उनके पिताजी हैदर अली जो थे मैसूर के, उनने इनको भगाया था, मतलब उनके डर से ये अपनी सेना छोड़ के भाग गए थे। ये अलग चीज़ है, इसको बाद में अपन जिक्र करेंगे। तो इन तीनों ने संयुक्त सेना बनाई, कंपनी के साथ युद्ध लड़ा। कंपनी को पहली बार अपनी वास्तविक सैन्य शक्ति प्रदर्शित करने का मौका मिला। क्यों? क्योंकि प्लासी का जो युद्ध हुआ था ना, इस प्लासी के युद्ध में बारिश हो गई। बारिश हो जाने की वजह से जब नवाब के गोला बारूद भीग गए, नवाब के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा, तो नवाब बहुत आसानी से हार गए थे। तो कंपनी जीत जरूर गई थी, लेकिन कंपनी को अपनी सैन्य शक्ति दिखाने का मौका यहाँ मिला नहीं। यहाँ मिला दो कारण से। एक तो युद्ध जिस समय हो रहा, उस समय ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं बन रही थी कि कुछ गीला हो जाए, बारिश में भीग जाए, बारूद फेल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा, तीन बड़े बड़े क्षेत्रों के लोग मिलकर, तीन बड़े सेनापति नेतृत्व कर रहे हैं युद्ध का, और इनको संयुक्त रूप से हराना, ये वास्तव में वे ब्रिटिश की सैन्य शक्ति दिखाने लायक था। परिणाम क्या हुआ? हेक्टर मुनरो ने तीनों की संयुक्त सेना को आसानी से हरा दिया और युद्ध किसके पक्ष में चला गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में चला गया। इस घटना के बाद से बंगाल में तो अभी तक इनने केवल अप्रत्यक्ष रूप से पर्दे के पीछे बैठ कर सत्ता संभाली थी। 1765 में यहाँ आकर इन्होंने बंगाल में द्वैत शासन ही लागू कर दिया। नवाब का काम केवल लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करना था, बाकी रिवेन्यू कलेक्शन, आदेश जारी करना, सारा काम कंपनी के हाथ में चला गया सीधे। तो बंगाल के साथ तो ये स्थिति हुई, रिजल्ट देखना आप इसका। बंगाल के साथ तो स्थिति हुई, लेकिन सुजाउद्दौला और शाह आलम के साथ कंपनी ने, मीर कासिम को तो भागना पड़ा, फिर मीर कासिम मारा गया था उसके बाद से। अब सुजाउद्दौला तो भागे नहीं, शाह आलम भी भागे नहीं, इनके पास तो बहुत बड़ा साम्राज्य था, इनके पास कुछ था नहीं, भाग। कंपनी ने इनके दोनों के साथ में इलाहाबाद की संधि की 1765 में। इलाहाबाद की संधि का परिणाम समझना क्या हुआ? सुजाउद्दौला से कई सारा मुआवजा कलेक्ट किया गया कि हमको युद्ध में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई आपको करनी है, पहली चीज। दूसरी, अब से ईस्ट इंडिया कंपनी अवध में भी बिना टैक्स दिए व्यापार करेगी, मतलब कोई कर कोई चुंगी नहीं देगी, व्यापार होगा, ये भी सुजाउद्दौला का मानना पड़ा। तीसरा, इनके कुछ गंगा नदी के क्षेत्र लेकर खुद के पास रख लिए और कुछ मुगलों को दे दिए। एक संधि इनके साथ भी हुई, शाह आलम मुगलों के साथ, उसमें क्या किया, इनसे भी कुछ क्षेत्र छीना, अपने पास रखा और इनको गिरफ्तार करके कड़ा में रख लिया, इलाहाबाद के पास में बंदी बनाकर रखा। ये तो बाद में इन्होंने मराठों की मदद से वहां से वापस दिल्ली आने में सफलता प्राप्त की थी। तो कुल मिला के ऐसा कहें तो बक्सर के युद्ध, वैसे तो प्लासी का युद्ध निर्णायक था, इसने दिशा मोड़ दी थी कंपनी की भारत में, लेकिन बक्सर के युद्ध ने उस दिशा मोड़ने का जो चिन्ह था उस पर सील मोहर कर दी, उसको पुख्ता कर दिया कि अब जो है वास्तव में भी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक बहुत बड़ी शक्ति होगी। अच्छा, केवल इतना ही नहीं हो रहा कि 1757 से 1764 में एक बड़ा युद्ध लड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत शक्तिशाली बन गई, नहीं, इस बीच की घटनाएं देखो। 1759 में वेदरा की लड़ाई में कंपनी ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया, डच कंपनी को, और यह डिसाइड कर दिया कि डच भारत में अब से बहुत ज्यादा व्यापार नहीं कर सकते। 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने वांडीवॉश की लड़ाई में फ्रांस की कंपनी को हरा दिया, फ्रांसीसी को हरा दिया, तो इससे डिसाइड हो गया कि फ्रांस भी भारत में शक्तिशाली नहीं रह जाएंगे। तो इसके जो कॉम्पिटिटर थे, बंगाल बचा नहीं, मुगल बचे नहीं, उसके बाद अवध बचा नहीं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बची नहीं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई वो भी बची नहीं,
डेनिश तो इनको अपने क्षेत्र बेच के वैसे ही चले गए थे, वो बची नहीं, और पुर्तगालियों ने इनके साथ वैसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे, तो वो भी ऑप्शन नहीं रह जाता इनके पास में। तीसरा, एक और बड़ी घटना देखना। हाँ, हालांकि बात अलग थी कि इस समय कंपनी को टक्कर देने के लिए दो शक्तियाँ थी, एक मैसूर में टीपू सुल्तान, हैदर अली और टीपू सुल्तान थे, और दूसरा जो मराठे थे पेशवाई, वो भी बाकी थी। लेकिन 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था जिसमें मराठे हारे थे, तो मराठों की हार ने एक चीज़ तो क्लियर कर दी थी कि मराठे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हैं, कंपनी ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इस घटना के बाद से एक ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई कि वास्तव में भी भारत में कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो सबसे शक्तिशाली सत्ता के रूप में स्थापित हो गई थी यहाँ आते आते। बस इसके बाद से ही फिर भारत में आगे चलकर क्या देखते हैं कि जब ऐसा लगा 1764-65 के बाद से कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी थोड़ा सा इसको नियंत्रित करने की कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि जितना बड़ा क्षेत्र इसके नियंत्रण में था उतना तो ब्रिटेन भी नहीं था, ब्रिटेन के बराबर भूभाग इसके पास था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, और उसके बाद से कंपनी को अपने अंडर में रेगुलेट करना शुरू कर दिया, और धीरे 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 कंपनी की सत्ता कमज़ोर करना शुरू कर दी, और आखिर में चलकर 1857 के विद्रोह के उपरांत तो कंपनी की पूरी सत्ता ही अपने हाथ में ले ली थी। सीधे सीधे भारत जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला गया था। तो ये बंगाल में कंपनी के अधिकार से लेकर भारत में कंपनी के सही शक्तियों के प्रवेश की संपूर्ण घटना है। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत सपोर्ट करेगा प्लासी के युद्ध को समझने में और बक्सर के युद्ध को समझने में, और केवल प्लासी बक्सर ही नहीं, प्लासी से बक्सर के बीच का जो ट्रांजिशन फेज है, इतने पूरे दौर में जहां ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी सारी जीत प्राप्त कर रही है और अपने आप को स्थापित कर रही है, उस पूरे दौर में ये होता है। तो आगे के लिए आप इसमें बने रहें। धन्यवाद।